I will start with the introduction of this lesson. Subject verb concord means subject verb agreement. Concord का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है agreement. इसका synonym concord का होता है agreement. समझ लीजिए, meaning है इसका, इसका synonym है, मतलब इसका सेम मीनिंग है. कॉनकॉर्ड का सिनोनिम है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता. इन हिंदी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन समझौता. तो सब्जेक्ट वर्ब का समझौता होता है और एग्रीमेंट होता है और इसी के अनुसार सेंटेंस बनता है. बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है. तो जिस प्रकार सब्जेक्ट का यूज होगा उसी प्रकार वर्ब का भी यूज होगा. तो आइए देखिए, देखते हैं आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. यू सी द पिक्चर, देयर इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो हियर कॉनकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू the meaning of concord is agreement, means samjhota. So first of all, I'll let you know what is subject. Subject verb concord, sorry. What is subject verb concord? लेकिन उससे पहले बता दूं कि subject किसको बोलते हैं. Subject is the doer of the action. कोई भी कार्य को जो अंजाम देता है उसको subject बोलते हैं. The subject may be a noun or the subject may be a pronoun. ये जो subject जो है वो doer of the action को, कार्य करने वाले को subject कहा जाता है. वो noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकता है. और जहाँ तक subject verb concord का सवाल है, it is defined as, it refers to the grammatical concept that the subject of a sentence must align with the main verb of the same sentence. ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ग्रामर के अनुसार एक कंसेप्ट है जो कि यह दर्शाता है, यह कंसेप्ट दर्शाता है, एक कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द मेन वर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस. ये जो सब्जेक्ट है उसका एग्रीमेंट मेन वर्ब से होना चाहिए सेंटेंस में, तभी जाकर ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाएगा. तो सब्जेक्ट और वर्ब का मिलन होता है, मतलब एग्रीमेंट होता है, तब जाकर सेंटेंस बनता है. इन अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ ईच अदर इन नंबर एंड पर्सन. और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एग्री होना होगा इन नंबर एंड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे चीज़ों को देखा जाता है. और उसको सब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है और थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है. तो उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है. सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट का सिंगुलर है या प्लूरल है या कौन सा पर्सन में है, उसको देखते हुए वर्ब का उपयोग किया जाता है. सो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ ईच अदर इन नंबर एंड पर्सन, देन देर कैन बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट.